पर मैं गाड़ी का नंबर इंटर कर दिया हूँ। गाड़ी का नंबर इंटर करते ही यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये सर्च हो रहा है, थोड़ी देर में सारा इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगा। तो गाइज ये अब निकल जाए, ये आ गया। हेलो गाइज, मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से किसी के भी गाड़ी के नंबर से पूरा उसका डिटेल निकाल सकते हैं। कैसे होता है जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो जब भी अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे मैं बताऊंगा कि गाड़ी के नंबर सिर्फ अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन में फिलअप करना है, सिर्फ गाड़ी का नंबर और उसका डिटेल जान सकेंगे कि वो किसके नाम से वो गाड़ी रजिस्टर है, यानी खरीदा गया किसके, वो गाड़ी का मालिक कौन है और उस गाड़ी का कितना दिन हो गया खरीदे हुए, मानी यानी कि उसका वैलिडिटी कितने होगी, कितनी कई से कितने पहले वो गाड़ी लिया था, वो डेट वहाँ पे मेंशन होगा और वो गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है कि अभी भी चालू पीरियड में है, ये सब बड़ी आसानी से डिटेल पता कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन पे चले जाइए। मोबाइल फ़ोन पे जाने के बाद आप अपने प्ले स्टोर को ओपन कीजिए। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च बार में लिखिए एम परिवहन। ये एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। इसका डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसे 1 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है और इसका रेटिंग है 3.9 का, काफ़ी बढ़िया है। और मैं इसे अभी डाउनलोड करने वाला हूँ और इसी के मदद से हम जानेंगे कि किसी भी गाड़ी के नंबर यहाँ पे फिलअप करके मैं आपको बता दूंगा उस गाड़ी के मालिक का नाम, वो गाड़ी कितना दिन पुराना हुआ और उसका इंश्योरेंस अभी चालू पीरियड में है या खत्म हो गया है, उसका वैलिडिटी एक्सपायर हो गया है इंश्योरेंस का। तो ये सब जानेंगे इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो चलिए गाइस ये मेरा डाउनलोड हो ही गया है, हो गया, अब होगा इंस्टॉल और थोड़ी देर और टाइम लगेगा यहाँ पे होने वाला है कंप्लीट। ये हो गया कंप्लीट, मैं इसे ओपन करता हूँ और ये हो गया ओपन। तो यहाँ से मैं अल्ट्रा लॉक, ये मेरे से पूछ रहे कि इस एप्लीकेशन को लॉक करना है कि नहीं, मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया है उसी का ये। तो आपको देखना इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आप इस तरह से स्लाइड कर लीजिए, हो गया और ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। इसे परमिशन दे दीजिए, अलाउ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अगर RC नंबर देना चाहते हैं, DL दो ऑप्शन है यहाँ पे, आप DL का नंबर यहाँ पे देना इंटर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं RC के मदद से बताऊंगा। यहाँ पे इंटर करना है अपना वाई, यहाँ पे बता रहे हैं कि आप अपना जो गाड़ी है आपका उस गाड़ी का नंबर यहाँ पे इंटर कीजिए। तो यहाँ पे मैं गाड़ी का नंबर इंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं किसी भी गाड़ी का नंबर यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं गाड़ी का नंबर इंटर कर दिया हूँ। गाड़ी का नंबर इंटर करते ही यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये सर्च हो रहा है, थोड़ी देर में सारा इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगा। तो गाइज ये अब निकल जाए, ये आ गया। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी हीरो होंडा का है और इसका ओनर है जो मालिक है गाड़ी का, उनका नाम है रंजीत राय और ये छपरा से लिया गया था और ये गाड़ी पेट्रोल पे चलती है और इसका गाड़ी के लिए हुए 3 साल 7 महीना हो गया और इसका इंश्योरेंस वैलिडिटी ऑफ इतना दिन तक था, जनवरी 29, 2016 तक, और ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगा। किसी भी गाड़ी का नंबर डालिए, वो 4 चक्का हो या 2 चक्का हो, आप यहाँ पे गाड़ी का नंबर डालिए कोई सा भी। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, एक नंबर चेंज करके यहाँ पे सर्च करता हूँ, वहाँ पे 22010 डाला था, 22009 कर दिया मैंने, एक नंबर डिस्क्रीज कर दिया यहाँ पे। तो मैं कोई सा भी नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ, किसी का नंबर मैंने याद करके नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे, मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ तो यहाँ पे निकल के आ जा रहा है गाड़ी का नाम और उनका ओनर नेम। यहाँ पे देख लीजिए गाइस, यहाँ पे ओनर नेम आ गया, गाड़ी कहाँ रजिस्टर हुई थी, किस जिले में रजिस्टर हुई थी, यहाँ पे उस जिला का नाम आ गया, ये पेट्रोल पे चलती है कि डीजल पे यहाँ पे शो कर रहा है और ये गाड़ी का कितने साल पुराना हो गया यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे इंश्योरेंस यहाँ पे बता रहे हैं कितनी वैलिडिटी तक, कि इंश्योरेंस कहाँ तक वैलिड अप टू डेट है, तो यहाँ तक है। तो गाइस यहाँ पे पूरा उनका डिटेल निकल के आ जा रहा है। तो बस आप गाड़ी नंबर यहाँ पे फिलअप कीजिए और यहाँ से सर्च कीजिए, पूरा डिटेल निकल के आ जाएगा। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, अगर आप अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेते हैं तो एक और फीचर यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो यहाँ पे सिटीजन रिपोर्ट है। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अगर कोई को देखते हैं कि वो हेमलेट बंद नहीं पहना है, तो अगर बाइक से है तो, या फिर 4 चक्का है तो वो सीट बेल्ट नहीं बना है, तो यहाँ से आप उसका फोटो क्लिक करके रिपोर्ट कर सकते हैं कि उसने ये सब नहीं किया है, मतलब कि जो रूल होता है सड़क पे चल रहा है तो वो हेमलेट पहना है कि नहीं पहना है, वो सीट बेल्ट बना है कि नहीं, तो ये सब यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं और उस पर इंक्वायरी हो सकती है आगे चल के। तो यहाँ पे लोकेशन ऑन करना होगा और ये आप अकाउंट बनाएंगे तभी इस फीचर का यूज कर पाएंगे। मैं यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाया हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये बता रहा है कि प्लीज लॉग इन टू यूज द फीचर। तो ये आप फीचर को यूज कर पाएंगे अगर आप ID बनाते हैं, यहाँ पे यूजर ID और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करते हैं साइन अप करके,
यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के आप साइन अप कर देते हैं, या फिर यहाँ से साइन अप करते हैं, मोबाइल नंबर डाल के एक ओटीपी आएगा, उसे वेरीफाई कर लीजिए, आपका अकाउंट बन जाएगा और ये सब फीचर ले सकते हैं। यहाँ पे ये सबसे इंटरेस्टिंग फीचर मेरे को लगा कि अगर कोई रास्ते में देख रहे हैं कि अगर वो हेमलेट नहीं पहना है, सीट बेल्ट नहीं बना है, तो ये रिपोर्ट कर सकते हैं, तो उस पर इंक्वायरी हो जाएगी। तो ये बढ़िया एप्लीकेशन है, यहाँ से आप किसी का भी इंक्वायरी करना है अगर वो इंश्योरेंस फेल है, ये सबसे बेस्ट है उन लोगों के लिए जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं या फिर कोई और होता है जो ये चेक करना चाहता है कि उसका इंश्योरेंस डुप्लीकेट है या वो फर्जी है या फिर वो ओरिजिनल है, तो यहाँ से बड़ी आसानी से चेक कर सकता है। तो अब बताइए गाइस कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए दूसरों को भी, ताकि उन लोगों को इस वीडियो के बारे में पता चल सके। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।